कोतवाली क्षेत्र के सिरसा पुलिस चौकी अंतर्गत ग्राम सभा गोसौरा कला स्थित एक घर में छोटी बच्ची को अज्ञात नकाबपोश हुए बदमाश ने पूरे घर को ही खंगाल डाला। पीड़ित की शिकायत पर चौकी प्रभारी के साथ गया हमराह सिपाही पीड़ित को ही उल्टा धमकाने लगा, जिससे पीड़ित परिवार में दहशत का माहौल हुआ है। मिली जानकारी के अनुसार ग्राम सभा गोसौरा कला मटिही मेरा निवासी ओम प्रकाश पटेल पुत्र गुरु प्रसाद पटेल सिंचाई हेतु खेत में गए थे। घर में अकेली उनकी 12 वर्षीय पुत्री संध्या पटेल बर्तन साफ कर रही थी, तभी एक बाइक सवार उतरा और हेलमेट लगाए हुए घर पर दस्तक देते हुए छात्रवृत्ति आने के संबंध में बात करते हुए कुछ जरूरी कागजात मांगने लगा, जिस पर बच्ची ने कहा कि हम आपको नहीं पहचानते, पिताजी आएंगे तो बात कर लीजिएगा। जिसके बाद उक्त बदमाश ने बच्ची को डराते धमकाते हुए जान से मारने की धमकी देने लगा, जिससे बच्ची डरी सहमी घर के अंदर चली गई तो नकाबपोश भी अंदर चला गया। नकाबपोश किशोरी से अलमारी की चाबी लेकर उसमें रखे जेवरात सहित नकदी रुपए उड़ा ले गया। कुछ देर बाद ओम प्रकाश के आ जाने पर वो आप बीती बताने लगी, जिसकी सूचना ओम प्रकाश ने डायल 112 को दी। सूचना पर 112 पुलिसकर्मी घर का मुआयना कर वापस चले गए, जिसके बाद पीड़ित ने सिरसा पुलिस चौकी को सूचना दी। सूचना पर अपने हमराही के साथ पहुंचे चौकी प्रभारी जगदीश कुमार ने परिजनों व आस पड़ोस के लोगों का बयान लेकर चले गए। पीड़ित का आरोप है कि उनके साथ आए एक सिपाही ने बदसलूकी से बात करते हुए परिवार को ही धमकाया। यही नहीं, चौकी प्रभारी घर के अंदर तहकीकात करने का प्रयास भी नहीं किए। प्रभारी के साथ आए सिपाही ने परिजनों को ये कहते हुए धमकाया कि ये बच्ची का मामला है, अभी कॉल डिटेल अगर निकलवा दूंगा तो स्वयं ही फंस जाओगे। सिपाही के इस बेतुके बयानबाजी से पीड़ित परिवार दहशत में है। पीड़ित परिवार पुलिस कप्तान सहित मुख्यमंत्री से शिकायत करने आए कि गुहार लगाने का मन बनाया है। कल आप घर में अकेली थी? हाँ। तो क्या घटना घटी आपके साथ? हम घर में अकेले थे, बर्तन धुल रहे थे। हाँ। तब एक आदमी आया और मेरा नाम, हाँ, पापा का नाम, मम्मी का नाम, सबका नाम अपने से बताया है। हाँ। उसके बाद फिर बोला कि क्या कहते तुम्हारे पापा बिजली विभाग में ड्यूटी करते हैं? हम बोले हाँ। हाँ। उसके बाद फिर हमसे बोला कि तुम्हारा वो जीफा आया है 40,000 का, तुमको फोन मिलेगा EMI का। हाँ। उसके बाद कह रहा है पैसे लाओ, उसमें जो नंबर होता है नोट का वही लिखेंगे। हाँ। तब नोट का नंबर हम गए अंदर, उसके बाद मेरे पीछे अंदर चला गया। हम बोले बाहर रहो। हाँ। पर हम चोर नहीं है, हम तुम्हारा कुछ चुरा नहीं लेंगे। हाँ। हम कहे चोर हो तो क्या, हम जान रहे हैं कि तुम चोर ही हो। हाँ। तो कह रहा हम चोर नहीं है। उसके बाद फिर हमसे कह रहा है कि तुम हम जो चाबी दो, हम कहे चाबी नहीं देंगे, हम नहीं जानते हैं चाबी। फिर कह रहा है दो नहीं तो हम तुमको मार देंगे। क्या उसके हाथ में कोई औजार था? नहीं। अच्छा। और चाबी हम दे दिए, उसके बाद वो अपने से सब चीज ढूंढने लगा। ढूंढ करके क्या ले गया, कुछ आपको दिखाई पड़ा क्या ले गया? पैसे थे। हाँ। और के सामान ले गया है गहने। अच्छा। क्या नाम है आपका? संध्या पटेल। क्या घटना घटी आपके साथ? कल हमारी बच्ची 4:20 से और 4:40 के बीच की ये वारदात है। हाँ। क्या घटना घटी? और घटनाएं घटी कि हमारे घर में हमारी बच्ची अकेली थी, हम खेत में पानी लगाए हुए थे। हाँ। उस समय एक नकाबपोश आदमी जो हेलमेट पहना हुआ था। हाँ। और वो दो चक्का बाइक थी उसकी। हाँ। और वो यमहा की FZ गाड़ी थी। अच्छा। उससे जो है वो वहाँ पर खड़ा किया बाहर में, सीधे हमारे घर में घुस आया और जो है तिजोरी से पैसे और बच्ची को हमारे डरा धमका कर। हाँ। तिजोरी से पैसे और क्या है गहना लेकर जो है भाग गया। लगभग कितने की चोरी हुई होगी आपको? लगभग 6.5 लाख की चोरी हुई है। क्या क्या सामान गए थे? सामान में जो है मंगलसूत्र था सोने का और वो क्या था हार। हाँ। और अंगूठी थी सोने की, कान का जो दो बाला था झुमका था। नकदी रुपए कितने गए होंगे? नकदी रुपए 37-38 हजार तक। अच्छा। आपने इसकी शिकायत कहीं की? हमने 112 पे फोन किया, फोन नंबर। हाँ। वाले आए। हाँ। उसके बाद चौकी इंचार्ज सिरसा आए। हाँ। उनके एक सिपाही ने काफी बदतमीजी से पेश आया। क्या बोला उन्होंने? उन्होंने बोला कि ये लड़की का मामला है, छोटी बच्ची। हाँ। और इसलिए हमको इनकी बात अच्छी नहीं लगी। अच्छा। हाँ। आपका परिचय? ओम प्रकाश पटेल।